मोहम्मद शफीक। शमीम साहब ये बताएं कि जो दुकानों के अलावा अतिक्रमण हटाया है ना, उस पर क्या समझते हैं? चलो दुकानों के अलावा ये बताइए, यहाँ पे किसी ने बिल्डिंग बना रखी है क्या? सब ने जो की झोपड़ी डाल करके रेडी पट्टी लगा कर किसी की बिल्डिंग बनी हुई है क्या? यहाँ पे पटरी पे किसी की बिल्डिंग तो नहीं बनी है। सबने झुग्गी झोपड़ी डाल करके अपना खोखा रोज रोटी कमा रहे थे। और यहाँ किसी ने बिल्डिंग में आपको दिखाई पड़ रही है? कहीं बिल्डिंग दिख रही है किसी की? और बिल्डिंग देखने की बात है, आप चलिए नाले पार सुल्तानपुरी में, मैं दिखाता हूँ। रोड पर बिल्डिंग बनी हुई है, थाने के पास बनी हुई है, अवैध बनी हुई है। ये मकान के साथ में आगे देखिए चल के 25 गज अगर मकान उसका है तो 50 गज आगे घेर रखा है। एक ने कई मकान मेन रोड पे बने हुए थाने के पास बने हुए, वो उनको दिखाई नहीं पड़ते। ये झुग्गी झोपड़ी वाले उनकी आंखों में खटक गए क्योंकि ये मस्जिद के आसपास थे इसलिए। अच्छा यहाँ पर एक मंदिर भी है? हाँ मंदिर है जी। मंदिर हो रहा जी, मंदिर मस्जिद दोनों है, लेकिन उसके बराबर में लोगों ने किसी ने बिल्डिंग थोड़ी बना रखी है। सबने झुग्गी झोपड़ी डाल करके कोई ठेली खड़ी करके कोई वैसे करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे। देखिए लोगों का कहना है कि यहाँ बेसिकली जो इंक्रोचमेंट है वो पार्शली है, डिवाइडेड है। अगर आप समझे तो इसको इस तरह से समझे कि जहाँ बिल्डिंग है अवैध वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन जहाँ पर रेडी पटरी की अगर बात की जाए या उन लोगों की बात की जाए जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी एमसीडी वाला जो अंधा हो उसको दिखाई नहीं पड़ता, मेरे साथ चले मैं दिखाता हूँ अवैध कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जी। आई समझ में? तो मीटर भी लगे वो उनके दामाद लगते हैं एमसीडी वालों के। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर ये अवैध है तो मीटर कैसे लगा? तो मीटर आप खुद सोचिए ना जनाब, सरकार ने क्यों अप्लाई करे? आप खुद सोचो, सब में ही मीटर लगे हुए थे इसमें जितने भी, और भाई साहब सबके इनके बिल भी आते हैं, इनके बिल भी आते हैं सबके। एक एक करके बात करेंगे। हाँ बताइए सर। सरकार, मेरा नाम अनवर खान। अनवर क्या समझते हैं, मतलब जो बिल आ रहे थे जो मीटर लगे हुए थे वो प्रशासन की अनुमति के? जी जी, बिना अनुमति के कैसे लग जाएंगे सर? जब आप अनुमति दोगे एनडीपीएल से तभी तो मीटर लगाएंगे, कोई मैं अपने घर से लाके थोड़ी मीटर लगा दूंगा जी। फिर उसके बाद भी ऐसा काम हो रहा है, बताओ। यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे जी, वो फिलहाल इसका विरोध करते हैं सर, वो कुछ भी नहीं करते। वो तो बेकार है, वो तो नहीं जानते, वो तो आए भी नहीं देखने के, गरीब आदमी मर रहा है क्या हो रहा है, आप वो तो सीट लेके बैठ गए अपनी। अच्छा लॉजिकली इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? समझ लीजिए जैसे बता रहे 70 दुकानें थी, 70 दुकानें अभी यहाँ पर 70 दुकान नहीं है, बहुत दुकान है, ठीक दुकानें बहुत है। समाधान ही निकालना था, समाधान में निकालता हूँ। जिनकी जो दुकानें टूटी है जी, जिनके दुकानें टूटी हैं, कितना लोग बेरोजगार हुआ है। कोई धनिया बेच रहा, कोई मिर्ची बेच रहा, कोई नींबू बेच रहा है, गवर्नमेंट क्या उनको तनख्वाह देगी घर बैठे? देगी तो बता दो। अच्छा एक बात और पूछें, नहीं 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 नहीं, एक ही समुदाय के लोग हैं या सारे समुदाय? सारे हैं, सारे कोई समुदाय नहीं है, कोई सारे भाई भाई है, समुदाय नहीं है, सब भाईचारा है यहाँ पर। कोई समुदाय नहीं है, कोई ना समुदाय बनाता है, कोई हिंदू सब भाईचारा है यहाँ पर। यहाँ पर एक है, ये देखो जनाब, इधर देखो 20-20 साल लिए सर, हम पैदा भी नहीं हुए सर, हम पैदा भी नहीं, जब से दुकान है जनाब, जब हम पैदा भी नहीं हुए जब से दुकान है। देखो सारे मीटर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये सब इलीगल है तो फिर ये मीटर जी अब क्यों है? अब क्यों है जी जी, अब क्यों है? इन्होंने क्या, ये देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक एनडीपीएल का मीटर लगा हुआ है। नहीं एक नहीं, सैकड़ों हैं। अगर आप समझते हैं कि ये इलीगल है और ये अवैध है तो फिर ये मीटर किसकी इजाजत से लग जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर मीटर लग जाते हैं और वहाँ पर अपनी कोई रोजी रोटी चला रहा है तो पहले ये देखिए यहाँ पर एनडीपीएल के अंडर में आता है, ये एनडीपीएल के अंडर में आता है। और एनडीपीएल बेसिकली किस तरह से पहले यहाँ पर जी जी जी, हाँ ये मीटर दिखाई दे रहा है हमें, ये आप मीटर देख पा रहे हैं, और ये अभी आए निकालने, ये मेरे पीछे एक मीटर लगा हुआ है और एनडीपीएल अब यहाँ से मीटर निकालने की कोशिश कर रही है और मीटर निकाले जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। बेसिकली सवाल ये है कि अगर ये अवैध निर्माण है, 20-20 साल पुरानी दुकानें हैं, तो ये मीटर किसकी इजाजत से लगाए गए? देखिए यहाँ पर लोगों का जो कहना है वो यही है कि अगर यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी तो वो इंक्रोचमेंट के दौरान किसने इजाजत दी कि वहां पर मीटर भी लग जाए, किसने इजाजत दी कि मीटर के बाद दुकानें चलती भी रहें, और अचानक फिर 20-20 साल पुरानी दुकानें जो हैं उनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है वो ड्राइव चलाई जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है
कि ये जो मीटर नजर आ रहे हैं जिन्हें एनडीपीएल की अब टीम उतार रही है, ये मीटर आखिर यहाँ पर किस तरह से लगते हैं?